नमस्कार। आप सभी के बीच हम लोग एक ऑनलाइन क्लास का आज पहला दिन है और इसका शुरुआत कर रहे हैं। और आप सभी जितने भी ऑडियंस हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी बच्चा, अगर कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को अपने बच्चे को दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जुड़वाइए, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा आप सभी के बीच हम लोग लेके आए हैं। और कोशिश रहेगा कि 24 घंटा में हर दो वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो बच्चों के नॉलेज के लिए सबसे बेहतर होगा। और यदि किस हिसाब से होगा, आप लोग सोच लीजिए कि एक स्कूल है, देखिए, और एक स्कूल में कम से कम 1000 बच्चे पढ़ने जाते हैं, और 1000 बच्चे पढ़ने जाते हैं जिस स्कूल में कम से कम 10 टीचर होते हैं। अब समझ लीजिए, 10 टीचर होते हैं और 1000 आपके छात्र होते हैं, ठीक। अब इतना समझ लीजिए आप लोग कि इस स्कूल भर में, पूरे स्कूल में एक बच्चा अगर किसी क्लास वाइज लिया जाए, यानी 9th या 10th या 11th या 12th, इसमें से एक इस क्लास का बच्चा कोई एक 99% आपका परसेंटेज मार्क लाता है, आखिर क्यों लाता है? और उसी में से किसी का 70 आता है, किसी का 76 आता है, किसी का 80 आता है, आखिर ये मार्क फिर क्यों आता है? क्योंकि मास्टर पढ़ाने वाला वही होता है और शाम्पुट वही होता है, बल्ब वही होता है, किताब वही होता है। ताकि बच्चा, आप समझिए कि एक बच्चा 70% मार्क लाता है, एक बच्चा 99.99 मार्क्स लाता है, आखिर क्यों? क्या आप लोग सोच सकते हैं? आइए इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वही बच्चा उसी स्कूल में उसी टीचर का पढ़ाया हुआ एक बच्चा 70% मार्क लाता है, वही उसमें से 99.99 मार्क लाता है, आखिर क्यों लाता है? इसका पूरा हम लोग